जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली SSC जीडी की अगली भर्ती को लेकर है। अगली भर्ती को लेकर क्यों है, क्योंकि मैंने देखे कई बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर, इस वैकेंसी में जब 20,000 पोस्ट बढ़ा दी गई है, इसका मतलब या तो अगली वैकेंसी आएगी नहीं। ये तो कई कमेंट देखे मैंने पिछले वीडियो पे कि सर, अगली वैकेंसी फिर नहीं होगी पक्का, क्योंकि इस वैकेंसी के आपको पता है थोड़ा लेट भी चल रही है वैकेंसी, 2-2.5 महीने जब अब तक रनिंग हो जानी थी लेकिन हुई नहीं है। एक तो ये डाउट कि अगली वैकेंसी सर अब कम पोस्ट पर आएगी, क्योंकि इस वैकेंसी को क्या किया गया है, बढ़ाया गया। मैं आपको बता दूं, पिछली वैकेंसी कितनी पोस्ट पर कंप्लीट हुई थी, 55,000। उसके बाद में अगली ये वैकेंसी कितने पे चल रही है, 50,000 के करीब। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो अगली वैकेंसी है वो कम पोस्ट पर नहीं आएगी, ये पोस्ट फिल की गई है, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में पोस्ट ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा पैरामिलिट्री में। अभी अनाउंसमेंट के साथ ये वैकेंसी 46,617 पोस्ट की हो गई है अनाउंसमेंट के साथ। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, यहां पर आप ध्यान से देखिए। इससे एक दो दिन पहले ही 7 जून को एक इसका शेड्यूल जारी हुआ था, किसका, SSC का, कि SSC के जो एग्जाम है वो कब कब होंगे। उस शेड्यूल के बारे में आपको बताता हूं। देखो, यहां इसका पूरा का पूरा कैलेंडर दिया हुआ रहता है। अगर आप इस कैलेंडर को देखोगे, सबसे लास्ट में थोड़ा सा बदलाव हुआ, क्या बदलाव हुआ मैं आपको बताऊंगा। कॉन्स्टेबल जीडी CAPF यानी अभी जो नया कैलेंडर है उसके अनुसार 27 अगस्त से इसके फॉर्म भरे जाएंगे 27 सितंबर तक, जनवरी फरवरी में एग्जाम होगा। लेकिन अभी जो नया कैलेंडर आया उसमें क्या किया गया है कि ये जो फॉर्म की डेट है ना 27 अगस्त से 27 नवंबर, इसकी जगह क्या कर दिया गया, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये पुराने के डाटा के अनुसार, नए डाटा में क्या किया गया मैं आपको दिखाता हूं। जो नया कैलेंडर है ना, एक मिनट रुको, मैं आपको ये देखो, हाँ इधर कॉन्स्टेबल जीडी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस, इसी में 27 अगस्त से फॉर्म भरने की तिथि है वो 27 सितंबर के बजाय 5 अक्टूबर तक है। यानी फॉर्म भरने की एक तो तिथि बढ़ा दी गई है 8-10 दिन, ठीक है, 1 महीने फॉर्म भरते हैं ना, लेकिन इस बार देखो फॉर्म भरने की जो तिथि बढ़ाई गई है वो समय बढ़ाया गया है। तो इससे भी आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हो वैकेंसी अच्छे खासे पदों पर होगी, इसीलिए फॉर्म में अप्लाई बहुत ज्यादा होंगे, समझ गए। यानी जो फॉर्म भरना है वो 5 अक्टूबर 2024 तक और एग्जाम जनवरी फरवरी 2025। मैं आपको बता दूं 100% ये वैकेंसी होने वाली है, और वो भी बहुत अच्छे पोस्ट पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2,000, 4,000, 5,000 पोस्ट पर नहीं होगी ये वैकेंसी, कम से कम 50,000, 60,000 या उससे ऊपर पदों पर होगी। तो आप अपनी कमर कस लीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। एक जो बड़ा डाउट है वो भी मैं आपको यहाँ फोन कर देता हूँ। बड़ा डाउट किस बात को लेकर, आपका एज को लेकर है कि सर एज कब से काउंट होगी। देखो, जो आपकी वैकेंसी 27/8 को आएगी, 27/8/2024 को इसकी नोटिफिकेशन आएगी, फॉर्म भरना शुरू होगा, तो एज काउंट जो होगी आपकी वो 1/9/2024 से होगी। या तो इससे चांस है, 90% चांस है कि इसी डेट से काउंट होगी, या 1/8/2024, 10% चांस है कि इस डेट से, इन दोनों डेटों से ही एज काउंट होगी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। या तो इससे 90% चांस है कि 1/9/2024 एज काउंट होगी, और या 1/8/2024 से, इन दोनों में से ही किसी ना किसी डेट से एज काउंट होगी। क्योंकि आज तक ऐसे जी का ऐसा हुआ, अगर 20 तारीख के बाद में नोटिफिकेशन यानी फॉर्म शुरू होते तो अगली 1 तारीख से डेट काउंट करवाते हैं ये, समझ गए बात को। वैकेंसी 100% है, किसी के भरोसे मत रहना, किसी की बातों मत आना, तैयारी करना है तो अभी से जुड़ जाइए और लग जाइए अपनी तैयारी में। जो बच्चा ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है वो हमारी अकेडमी आ सकता है। 1 जुलाई से स्पेशली SSC GD का बैच शुरू होगा, फुल गारंटेड बैच है। अगर सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, ठीक है। लाड लो, जय हिंद, जय भारत।